बड़े बुजुर्गों ने कहा है, कर्म ही पूजा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में अपने वार्ड में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं वीरेंद्रपुरी वार्ड के पार्षद केवल कृष्ण आहूजा रोज की तरह आज भी हरी सब्जियां बांट रहे हैं। और वहीं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आटा, चावल व सब्जी का वितरण घर घर जाकर हर एक परिवार को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सर्वेंट क्वार्टर मेडिकल पुरवा में राशन देकर लोगों से अपील भी की है, सब अपने घर पर ही रहें और मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इनके साथ सेवा में सम्मिलित गणपत कोष्टा, संजय जैन, नरेश साहू, प्रमोद पटेल, गुड्डा कोष्टा और दद्दू कोष्टा उपस्थित रहे। ये वाले ये में से देखो अच्छे टमाटर है भैया, खराब नहीं है टमाटर, अच्छे टमाटर है। मैंने बेचते नहीं देता, वो तो मतलब वजन पड़ता हूँ। किस तरह से सब्जियां इकट्ठे कर रहे हैं आप और लगातार गरीबों तक आप खाने से लेके कच्चा राशन से लेके सब्जियां तक पहुंचा रहे हैं? वीरेंद्रपुरी वार्ड में 70% करीब गरीब जनता रहती है और ऐसी कोरोना की महामारी में ऐसी विपदा आन पड़ी है, तो आज की जो स्थिति को देखते हुए कहावत है ना कि ये सेवा जो गरीबों की अभी जो जिसने कर ली उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। हम आए दिन तो अपना गुजारा गरीब करते रहते हैं, लेकिन ऐसी महामारी में अगर मानव को देख के मानव ने अगर उनकी मदद नहीं की तो बेकार हो गए। उसी श्रृंखला में आज करीब 27-28 दिन हो गए जो भी बन पड़ रहा है, कभी सब्जी कभी अनाज उन गरीबों को तक पहुँचा रहा हूँ। और कई ऐसे भी आते हैं बेचारे, जैसे दूसरे वार्डों के भी आते हैं, महाराणा प्रताप के आ जाते हैं, मदन महल के आ जाते हैं, उनकी भी मदद कर रहे हैं। और मैं लोगों से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ जा के हाथ जोड़ के, कि इस कोरोना की महामारी में आप घर में रहिए, मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए। भाई साहब, और भी शहर में पार्षद हैं, सभी क्षेत्र के पार्षद हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? वैसे तो पार्षद बेचारा बहुत छोटा जनप्रतिनिधि है, वो भी उनकी जितनी ताकत है बेचारे की सब सामर्थ्य नहीं रहते, जितना कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, भगवान उनका भला करे, और करना चाहिए। क्योंकि और आम लोगों से भी मैं विनती करता हूँ, जो लोग हैं संपन्न वो भी आगे 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 मदद करें। मीडियम क्लास का आदमी बहुत ज़्यादा पीड़ित है और नीचे वाला तो ले लेता है, मीडियम वाले को नहीं मिलते, तो उनकी भी भरपाई कर रहे हैं, जैसे भी जो भी बन पड़ रहा है जाके वार्डों में हाथ जोड़कर उनकी मदद कर रहे हैं। फिर कुछ तरीके की परेशानियां भी आते होंगे, कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जो सक्षम है लेने के लिए, उसके बाद भी वो लाइन में लगे रहते, क्या? मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के जो देने लायक है जो लेने लायक है उनको वो लें, बाकी जिनके पास है वो धैर्य रखें। अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, कोई इतना खाने का कोई वो नहीं है, सरकार भी दे रही है, जनप्रतिनिधि भी दे रहे हैं और नगर निगम पैकेट भी बांट रही है, तो सब जगह से भरपाई हो रही है। तो धैर्य रखें ऐसी महामारी में और घर में रहें, सुरक्षित रहें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।